ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, पूरे वर्ष में एकादशी के व्रतों की संख्या 24 होती है। यदि पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास लग जाए तो एकादशी के व्रतों की संख्या 26 हो जाती है। समस्त 26 एकादशी व्रत कथाएं एवं उसका माहात्म्य हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सुन सकते हैं। वरूथिनी एकादशी का माहात्म्य सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरु भयोरपि। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमिदान उससे भी बड़ा है, भूमिदान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही धेनु का दान है, यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पाप मोहिताः, पुण्य यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयम् यातनामयम्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यका धनम्। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस
उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। कांस्यम माशम असुरांश चणकान कोद्रवांस तथा शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयेत्। द्यूत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पायशून्ये स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम चांद्रित वाक्यानि एकादश्याम विवर्जयेत्। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। कांस्यम माशम सुराम छौद्रम तैलम पतिभाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जये। राजन, इस विधि से वरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि वरूथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य आपने सुना। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, समस्त 26 एकादशी व्रत कथाएं एवं उसका महात्म्य हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ऐसी ही प्रामाणिक कथाओं को सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।